के कोपागंज थाना अंतर्गत स्थित बसारतपुर में 20 नवंबर की रात्रि पारस सिंह के खेत में बनी नींव के पास गांव के ही विनोद कुमार की लाश मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य तथा क्षेत्राधिकारी घोसी के निर्देशन में कोपागंज थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह की अगुवाई में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 23 नवम्बर को न सिर्फ मामले का खुलासा कर दिया बल्कि अपराधी को गिरफ्तारी भी कर लिया। पुलिस द्वारा छानबीन में प्रेम प्रपंच का मामला सामने आया जिसके चलते विनोद की हत्या की गई थी। अपने इकबालिया बयान में लड़की के अभियुक्त भाई ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया है कि उस रात को उसकी बहन घर से 10:30 बजे निकली। प्रेमिका और विनोद के बीच काफी दिनों से चल रहे प्रपंच की भनक युवती के परिवार वालों को भी लग गई थी। बौखलाए युवती के भाई धर्मेंद्र कुमार पुत्र शिवमुनि ने युवक विनोद कुमार की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में सघन अन्वेषण उन्नत सर्विलांस व परंपरागत पुलिसिंग की मदद से धर्मेंद्र को बसारतपुर चट्टी की अम्बेडकर प्रतिमा के पास गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। धर्मेंद्र ने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया है। गिरफ्तारकर्ता टीम में शामिल थानाध्यक्ष विनय सिंह सहित हेड कांस्टेबल मनोज सिंह और कांस्टेबल अविनाश दुबे की टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उत्साहवर्धन स्वरूप 5,000 के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया है। मऊ से मुनीर आलम की रिपोर्ट। जो घटना हुई सर, हत्या, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? परसों सुबह पारस सिंह के खेत में ग्राम बसारतपुर में विनोद पुत्र लेसर की लाश मिली थी। सर पूछ करके हत्या की गई थी। विनोद का घर वहीं बगल में 200 मीटर दूरी पर था। जैसा लोगों द्वारा बताया गया कि किसी का फोन आया था, फिर वो यहाँ से 8:00 बजे गया था। विनोद शक्ति पर अपना टीवी मैकेनिक का काम करता था। घटना के अनावरण के लिए तो गोपागंज को निर्देशित किया गया था और पुलिस टीम भी बुलाई गई थी। सामने रह रहे परिवार की लड़की से इसका अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी लड़की के भाई को हुई थी कि कुछ दिन पहले उसने मना भी किया था। उसने मतलब ने यह बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। घटना वाली रात को 20 नवंबर की रात को ये जो घटना का मुलजिम है धर्मेंद्र, उसको शक हुआ। इसने अपनी बहन को जाते हुए देखा। वहाँ जाकर के खेत में बने पुलिस की बाउंड्री खींची हुई तो उसने देखा। उसके बाद वहीं उन दोनों के आपस में कुछ कहा सुनी हुई, पटका पटकी भी हुई कि इसने स्वीकार किया। बगल में ईंट पड़ी हुई तो उसी से सर पूछ करके इसकी हत्या कर दी। सर कितने लोग थे? मृतक का मोबाइल भी क्योंकि जान रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में काम ही करता था, मोबाइल ले जाकर के गड़बड़ी फेंक दिया। घटना को इसने अकेले कारित किया। धर्मेंद्र पुत्र शिवमुनि है। सर इसमें सभी अभियुक्त तो गिरफ्तार हैं? एक ही अभियुक्त है घटना में, क्योंकि जैसा बताया मैंने उसको अवैध संबंध अपनी बहन का कोई स्वीकार न करने की मानसिकता है। उस आधार पर इसने वहीं पर मारपीट हुई और कोई पड़ी हुई ईंट से मृतक जो है शराब के नशे में भी था तो थोड़ा शोर भी शिथिल रहा होगा जैसा यह बता रहे हैं। वहीं पर उसने अकेले ही घटना कारित किया।